गाइस कैसे सुन लोग। तो यार सीन ये कि पिछले एपिसोड में जो हम लोगों को भटान मिला था ना, उसने हमें अपनी मंडी का एड्रेस दिया था और उस लोकेशन में मैं पहुंच भी गया हूँ। मैं मंडी आ चुका हूँ। खैर मैंने अपनी मंडी ना ये वाली मंडी अंदर से देखी नहीं है कैसी है, एक साथ ही देखेंगे। अभी मैं ट्रैवल लोगों का इंतज़ार कर रहा हूँ क्योंकि ट्रैवल लोग अभी पहुँचे नहीं हैं, सिर्फ मैं और मेरा रोबोट पहुँचा अभी मंडी में। अभी ट्रैवल लोग नहीं आए, हम लोग साथ निकले थे लेकिन पता नहीं कहाँ पर रह गए। ये ड्राइवर इतना सुस्त आ रहा है ना यार, इसको कॉल करनी पड़ेगी। इसको कॉल करता हूँ ताकि यार एक साथ ही हम लोग ना मंडी अंदर से देखें कि मंडी के अंदर के सीन क्या है। इसको मैं कॉल करता हूँ, एक मिनट वेट करो आप लोग। देख रहा फिर जी में कितना नाम है मेरे यहाँ पर। यार यहाँ पर जो चलता फिरता इंसान है ना यार, सारे सलाम ठोकते हैं मुझे, सारे लोग इज्जत करते हैं मेरी। वो अलग बात है कि माइकल ने इज्जत करता मेरी, बाकी सारे लोग यहाँ पर इज्जत करते हैं यार, सलाम ठोकते हैं मुझे। पता नहीं तेरे माइकल के साथ क्या मसला है यार, मेरे साथ उस मुझे कटा देता है यार, हर काम में कटा देता है। ओ एक मिनट ये देख, शैतान का नाम लिया और शैतान का नाम हाजिर हो गया यार। ये उसकी कॉल आ गई, उठानी पड़ेगी। पता नहीं क्या कह रहा है ये। अबे हाँ माइकल क्या हो गया यार, ड्राइवर कहाँ पर रह गए तुम लोग? मैं तो मंडी भी पहुँच गया हूँ, तुम कहाँ पर हो यार? जल्दी से आओ, जाना नहीं है मंडी क्या? अरे हाँ हम भी आने वाले हैं यार, बस पहुँचने वाले हैं। बट जिमी को ना मैं नज़ारे दिखा रहा था, आस पास चीज़ें दिखा रहा था, बस पहुँचने वाले हैं यार। कितना लेट हो गया यार, ड्राइवर जल्दी से आ जाए, ड्रामे ना कर, जल्दी पहुँच। अरे हाँ हाँ बस तेरे पीछे ही हूँ यार, तू पीछे मुड़ के देख, तेरे पीछे खड़ा हुआ मैं, पहुँच गया बस तेरे पीछे खड़ा हुआ। अच्छा चल ठीक है, ड्रामे ना लगाई, जल्दी से पहुँच, बस इंतज़ार करो मैं तेरा। हाँ हाँ आ गया यार, बस तू कार रख, तेरे पीछे खड़ा हुआ मैं, आ गया। अच्छा ठीक है जल्दी आ फिर। तो यार ये कह रहा है मैं पीछे खड़ा हूँ, बस पहुँचने वाला होगा। खैर मैं अपनी कार पार्क करती हूँ, तो चलो रोबोट यार चलो अंदर चलते हैं, मंडी के अंदर चलते हैं, कार वगैरह पार्क करते हैं मंडी के बाहर ही। ड्राइवर भी पहुँच ही जाएगा, वो कह रहा है कि बस मैं पहुँचने वाला हूँ। जी सर आजी, पार्क कर देते कार। हाँ यार थोड़ी सी सेफ जगह पे पार्क करेंगे क्योंकि ये कार ना बिल्कुल भी ख़राब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये शोरूम से मैंने निकाली है और इसको ना वापस जाके वहीं पर रखना भी है, मैंने शोरूम ही रखना है। ये ट्रैवर की वजह से, बल्कि मैंने जिमी की शादी की वजह से निकाली थी और ट्रैवर को मैंने कहा दिया था, दूसरी कार दे दी थी मैंने। यार यहीं पर पार्क कर दो यहाँ साइड पे। हाँ यहाँ पर सेफ है क्योंकि अंदर ना मंडी के अंदर बहुत ज़्यादा गंद होगा, तो यार गंदी हो जाएगी कार और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। पर यहीं पर पार्क कर देते हैं, ट्रैवर भी पहुँच ही जाएगा। जी सर जी उतर जाए। हाँ यार बस यहाँ पर वेट करते। देखा फिर जिमी, देख कैसे बात करते यार मेरे से, यहाँ पर लोग इतनी इज्जत करते हैं, वो खड़ा हुआ तेरा अबू, ये ना बिल्कुल भी इज्जत करता नहीं है यार मेरी, मुझे ना कटा देता है। आज हम मिले इसे, देखना कितना सुनाएगा यार मुझे बातें सुनाएगा ये। और माइकल, अबे भाई आ ही रहा था ना, मैंने तुझे कहा था ना, देख तेरे पीछे खड़ा हुआ मैं। यार ड्राइवर हम लोग साथ निकले थे और मैं ना कब से पहुंचा हूँ यहाँ पर, तू इतना लेट आया भाई, इतना सुस्त तू गाड़ी चलाता है ना। खैर आज कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, मंडी चल के मंडी से अंदर देखने चलते हैं, मैं तो तेरी वजह से गया भी नहीं था, मैंने कहा था साथ चल के देखेंगे। आ जाओ देखते हैं क्या सीन है मंडी के अंदर। पापा यार सबसे बड़ा वाला बैरा लेंगे यार मंडी के अंदर, जो भी बैरा हुआ ना सबसे बड़ा लेंगे। हाँ जिमी आओ तो सही ना यार, देखते हैं ना मंडी के अंदर क्या सीन है, जल्दी से आ जाओ सारे के सारे। मुझे तो अभी रेट वगैरह भी नहीं पता कि मंडी में क्या चल रहा है, क्योंकि कल मैंने फटान से पूछा था और ये खड़वा फटान, इससे मैंने कल पूछा था कि भाई क्या रेट है, इसने मुझे बताया नहीं, कहा था कि मंडी आके खुद ही पूछ लेना, तो अभी इससे पूछ लेते हैं रेट। खान भाई, फटान भाई बात सुना ना यार, इधर इधर देखो। ओके चो यार ये क्यों ना गया यार, अब किसको मौत पड़ गया? अरे यार ये तो वही वाला लड़के हुए जिसको मैंने कर, अरे तुम तो सच्ची मुची आ गया, मैंने समझा तुम लोग मजाक कर रहे हैं लेकिन तुम तो सच्ची मुची मंडी आ गया। अब बोलो कितना दाना मांगता है तुम लोगों को, कितना दाना मांगता है? मैं बाप बहुत से रेट पता करके ना तुमको दे देता, बताओ क्या चाहिए तुमको, कौन सा जानवर मांगता है? यार खान भाई मैंने तो आपको कल भी कहा था कि हम मजाक नहीं कर रहे, मैंने सच्ची मुची वैड़ा लेना है, लेकिन आपने मुझे कल रेट ही नहीं बताया, तो पहले मुझे जानवर वगैरह दिखाओ तो सही ना, कौन सा जानवर सही है, पहले मैं जानवर देखूंगा तभी मैं बताऊंगा ना कि मुझे कितने जानवर चाहिए, तो रेट वगैरह का भी सीन कर लेंगे, पहले जानवर तो दिखाओ। हाँ खान भाई यार सबसे बड़ा वाला जानवर जो आपकी मंडी में ना यार, वो वाला दिखाना, हम वो वाला खरीदेंगे यार, जो सबसे बड़ा जानवर होगा ना, सबसे भारी जानवर होगा इस मंडी में, वो वाला दिखाना यार, वो पापा खरीदेंगे हम लोग वही। अभी जिमी मैं बात कर रहा हूँ ना भाई, तू लुटवाएगा यार, पहले मुझे देखने तो दे, जानवर तो देखने दे, फिर कर भी लेंगे, बड़ा वाला जानवर कर भी लेंगे, तो चुप कर जा मैं बात कर रहा हूँ दो मिनट। हाँ खान भाई यार पहले जानवर दिखाओ, सारे जानवर दिखाना, जो सा पसंद आएगा ना वो वाला खरीदेंगे हम लोग, और चूना वगैरह नहीं लगाना, सही डेट लगाना है ठीक है। ओ ले ले यार मैं तुमको सारे जानवर दिखाएगा यार, गाय भी दिखाएगा, भैंस भी दिखाएगा, तुमको घोड़ा भी दिखाएगा, और यार अगर तुम चाहे तो तुम्हें गधा भी दिखाएगा यार, सारे जानवर दिखाएगा, तुम टेंशन नहीं लो। पर इस बेबी को तो बोलने दो ना यार, तुमने पिछले एपिसोड में भी इसको कुछ नहीं बोलने दिया। हाँ बोलो यार तुम्हें क्या मांगता है यार, तुम बोलो तुम कौन से जानवर लेगा, इसको बोलने दो यार, इसको बोलने दो, तुमने पहले भी इसको बोलने नहीं दिया, तुम बेबी की तरह लेके घूमते रहते इसको, इसको थोड़ी देर खुला छोड़ो, इसको बात करने दो हमसे। हाँ बोलो यार बेटा तुम्हें क्या चाहिए, क्या मांगते हो, कौन से जानवर चाहिए,
बड़े वाले जानवर चाहिए और तुमको दिखाता है बड़े वाले जानवर को, सारे जानवर दिखाता है। यार खान भाई ये क्यूट है ना, तभी मैं ना यार इससे ना आपकी बात नहीं करवाना चाह रहा, मैं आपसे बात कर रहा हूँ इसलिए मुझे दिखाओ जानवर यार, आप मैं खरीदूंगा जानवर, ये थोड़ा क्यूट है ना तो आप लोग इससे दूर ही रहो। ले ले यार ये कैसी बात करती है, ये क्यूट है, क्यूट तो तुम भी है यार, बल्कि मेरे ख्याल से तो तुम ज़्यादा क्यूट है, तुम देखो अपने आप को, देखो ज़रा अपने आप को यार, इससे ज़्यादा क्यूट तो तुम है। लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा यार, मैं मोहब्बत करना है, मैं मोहब्बत करने वाला शख्स है, आजो तुम्हें जानवर दिखाता यार, सारे जानवर दिखाएगा तुमको, जो उनसे पसंद आएगा ले लेना, फिर बॉस से जाके बात कर लेंगे रेट वगैरह की, डिस्काउंट वगैरह अगर उससे देने हुआ तो वो भी दे देगा यार, तुम तो अजीब ही बात करते हो वैसे। ये देखो ये पहले जानवर यहाँ पर खड़ा हुआ, तुम देख लो जानवर अच्छे से देख लो ठीक है, इसके टांगे वगैरह गिन लो सारे, तुम देख लो जो भी दांत वगैरह देखने हैं वो सब कुछ देख लो, फिर रेट के बाद ना तुम बॉस से कर लेगा, बॉस तुम्हें रेट वगैरह का भी बता देगा कि कितने का बेचेगा। अच्छे से पहले जानवर देख लेना क्योंकि खरीदे हुआ माल वापस नहीं होता ठीक है, पहले ये जानवर है ठीक है, यहाँ पर एक जानवर बंधा हुआ है, फिर इसी तरह ना सारों की लाइन में और सारे और जानवर है, अभी सिर्फ यही माल है वो भी और भी माल आएगा, लेकिन पहले जो। अच्छा खान भाई क्या आपके पास सिर्फ ये बैल ही पड़ा हुआ है क्या, मतलब कि कोई ऊँट वगैरह कोई दुम्बा वगैरह का इस तरह का सीन है, यह सिर्फ गायें गायें हैं या बकरे वगैरह भी हैं, क्योंकि इस दफ़ा मेरा सीन था कि मैं सोच रहा था कि ऊँट भी खरीद लेते हैं, लेकिन आपके पास सिर्फ बैल ही पड़ी हुई है क्या। बोले ले अभी मैंने तुमको पता है ना यार कि बॉस कह रहा था कि अभी और भी जानवर हमने मंगवाने हैं यहाँ पर, लेकिन अभी यहाँ पर जितने जानवर पड़े मैं सारे आपको दिखाता यार, देखो ये पहला जानवर तुम देख लो यहाँ पर खड़ा हुआ है ठीक है, अभी आहिस्ते आहिस्ते करके ना मैं सारे जानवर दिखाता हूँ, अभी आ जाओ मेरे पीछे पीछे, यहाँ से टैप करना पड़ेगा तो टैप लोगे क्या, आ जाओ आ जाओ, आसानी है टैप सकते हो, ये क्या भाई ये खुला हुआ था क्या, मैं तो अभी दो सालों से टैप रहा हूँ यार, ये वैसे गलत बात हो गई है। खैर देखो ये जानवर दिखाया मैंने तुमको और ये दूसरा जानवर है ये यहाँ पर बैठा हुआ है, सारे जानवर अच्छे खुराक पे पाले हुए हैं ठीक है, तुम देख लो अच्छे खासे भले हुए हैं, ये देखो कितना तगड़ा बैड़ा यहाँ पर खड़ा हुआ है। अच्छा खान भाई बात तो सुनो ना, ये तो सारा पुराना माल है ना, कोई नए बैड़े नहीं आए, ये तो पुराने बैड़े हैं ना, नए बैड़े बताओ अगर नए बैड़े आए होंगे आपके पास। बोला ला मेरी बात सुनो यार, बार बार मुझे आवाज़ नहीं दिया करो, देखो हम तुमको बता रहे हैं कि ये हमारे पास पुराने जानवर पड़े हुए हैं, बॉस पुराना जानवर बेच रहा है, अभी नए जानवर भी लेके आएगा ठीक है, बॉस से पता कर लेने कि नई जानवर कब आएगा तो तुम नया जानवर खरीद लो, नहीं तो पुराने। अच्छा खान भाई गुस्सा ना करो यार, एक काम करो आप ना मुझे अपने बॉस से मिला दो, मैं बॉस से बात कर लूँगा कि यार नए जानवर का क्या सीन है, क्योंकि ये पुराने बैड़े ना मुझे तगड़ा वाला चाहिए। हाँ तो यार पहले बोलते थे ना कि तुमने बॉस से मिलना है, आजो मेरे पीछे मैं तुम्हें बॉस को मिला देता हूँ, तुम पूछ लेना उससे कि नए जानवर कब आएगा, क्या सीन होगा उसका, कितने रेट वगैरह होगा, तुम उसी से बात कर लेना यार, तुम तो मेरे दिमाग की धीक कर देते यार, सवाल इतना करता है, आजो तुमसे मिला था बॉस को, रास्ते मेरा सारे जानवर देख भी लेना ठीक है, मुझे वापस ना आना पड़े। ये पीछे मुड़ के क्यों खड़ा भाई यार, बीमार नहीं है ये ठीक है, ये सही जानवर है, यहाँ पर सारे जानवर ना मेरी देसी खुराक के अंदर है, मैं खुद खाना खिलाता इनको, एक से एक अच्छा जानवर रखा हुआ। खैर ये तो टापना पड़ेगा, ये तो खुलेगा नहीं ना, यहाँ से तो टापना ही पड़ेगा तुम लोगों को, आ जाओ टाप लो। हाँ यार मैं तो टाप लूँगा, जिमी तू क्या करेगा, हाँ हाँ टाप क्या यार इतना जवान मर्द है, हाँ इस तरह सारे के सारे आ जाओ मेरे पीछे पीछे आ जाओ। वैसे एक तो बॉस का भी पता नहीं चलता यार, कभी कहाँ पर चला जाता है कभी कहाँ पर चला जाता है, अभी यहाँ पर भी नहीं है बॉस, तो मेरे ख्याल से घर के अंदर होगा, घर के अंदर चेक करते हैं, अगर वहाँ पर भी बॉस ना हुआ ना तो इसको यार टाटा बाय कर देंगे, कहेंगे बाद में आना। वो खड़ा हुआ बॉस यार, ये खड़ा हुआ बॉस ये कहाँ पर गए, वो जल्दी गए लाला यार, इतना देर से क्यों चलती है तुम, जल्दी चला करो यार, अभी और भी काम है, ये सिर्फ एक काम तो नहीं है ना मेरे पास। वो बेबी कहाँ गया तुम्हारा, बेबी कहाँ पर गया, बीबी नहीं नजर आया बीबी, अरे खान भाई वो टाप की नहीं आएगा, वो किसी देखो ये रहा यहाँ से आ गया, आप खान भाई सीधे रास्ते से नहीं लेके आ रहे हैं, मैं पता नहीं कैसे टाप टाप के लेके आ रहे हो, सही रास्ते से लेके जाओ ना कि आपको रास्ते वगैरह नहीं पता क्या। ओ मैडम मैंने तुम्हें कहा ना यार तुम ज़्यादा सवाल नहीं किया करे यार, तुम बहुत सवाल करता है, हमारा तो आदत हो गया टापने टूपने का, मैंने कहा तुम भी टाप टूप ले गए लेकिन यार तुमसे टापा नहीं जाता, आ जाओ तुम्हें बहुत से मिला था फिर हम जान छुटे यार तुमसे, तुम तो बहुत ही सवाल पूछते यार, दिमाग की धीक कर देता, मैंने और भी काम करने हैं सिर्फ एक काम तो नहीं है ना। वो खड़े हुए बॉस और यार ज़्यादा गुस्सा नहीं चलाना बॉस को, क्या बॉस बड़े गुस्से वाला ठीक है, आ जाओ मिलाता है बॉस, बॉस यार बस सुनो ये देखो तुमसे कुछ मिलने आया यार, कुछ लोग मिलने आया, तुमसे बात करने आया कि नेचर में क्या बेगा कि इस तरह का कोई सीन पूछ रहा है, तुम इसको जवाब दे दो नहीं तो मैं इसको जवाब दे देगा, और वह जवाब भी अपनी जबान में देगा जो इसको समझ भी नहीं आएगा और इसके सर से गुजरेगा, तुम इससे अच्छा है तुम ही जवाब दे दो इन लोगों को। ये देखो अरे 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 मोहब्बत खान इतना शोर क्यों मचा रहे थे, कौन मिलने आया मुझसे, माइकल ये तू है, अरे बॉस तू यहाँ पर, यार ये सच्ची में तू है भाई, मुझे नहीं पता था ये खान तेरे बॉस की बात कर रहा था, मतलब कि भाई मुझे तो लगा कोई और इसका कोई मालिक होगा उसको ये बॉस कह रहा होगा, लेकिन मुझे यही पता था कि तू यहाँ पर कर रहा भाई,
तेरा तो अपना बिजनेस वगैरह था ना, उसका क्या हुआ? ये तूने क्या गायें वगैरह बेचने लग गया? ये हुआ कैसे भाई? स्टोरी क्या है इसके पीछे? यहाँ पर कैसे आया तू? क्या सीन हुआ है तेरे साथ? ओ खचा यार, ये कैसे बातें करता है तुम मेरे बॉस से? यार देखो, मेरे बॉस से ना तमीज से बात करने का ये यार यार क्या होता है? तमीज से बात करो, तुम इसको जानते हैं क्या? तुम पहले से जानते मेरे बॉस को क्या? ज़्यादा फ्रैंक होने की जरूरत नहीं है, तुम तमीज से बात करो मेरे बॉस से। यार मेरे बॉस है, मेरे बॉस को। अरे अरे अरे, इजी मोहब्बत खान, इजी। अपना ही बंदा माइकल, अपना बंदा है, इजी हो जा। और सुना माइकल, देख यार मेरी तो बहुत लंबी स्टोरी है, किसी दिन सुनाऊंगा तुझे अकेले में बैठ के। यार मुझे बता, यहाँ पर किस लिए आया तू? क्या चाहिए? तेरी क्या स्टोरी है? यार बॉस देख, मेरी स्टोरी भी ना काफ़ी लंबी है, तो ऐसा काम करना, मैं ना ऊपर लिंक देता हूँ, तू वहाँ पर जाके ना वो वीडियो देख ले, तुझे पता लग जाएगा कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। जिमी की लव सीरीज़ देखेगा ना, तुझे सब कुछ पता लग जाएगा। खैर मैं तुझे शॉर्ट वर्ड्स में ये बता सकता हूँ कि मैं ना ट्रैवल की तरफ आया हुआ था, तो वहाँ पर ना मुझे ये खान मिलता है, ये अपनी बैल वगैरह लेके जा रहा था। तो मैंने इससे रेट पूछा कि भाई गाय का क्या रेट है, क्या रेट चल रहा है आजकल मंडी का। तो इसने मुझे बताया नहीं, इसने मुझे एड्रेस दे दिया यहाँ पर कि यहाँ पर ना बॉस से आके बात कर लेना रेट के बारे में। तो बस मैं इसके पीछे पीछे यहाँ पर आ गया और मुझे इसने तेरे से मिला दिया भाई। और मुझे नहीं पता था कि ये जिस बॉस की बात कर रहा है यही तो अपना बॉस है भाई, तू है भाई। मैं तो हैरान हो गया तुझे यहाँ पर देख के। खैर तेरे पास, तेरे साथ एक और भी तो थी ना, क्या नाम था उसका? टीना कहाँ पर है आजकल? वो नहीं दिखाई? अरे हाँ, टीना मेरी बेटी टीना। खैर यार वो मेरे साथ नहीं रहती, उसने छोड़ दिया मुझे। जब से मैंने ये सादा ज़िंदगी गुजारना शुरू किया है, गैंग को छोड़ा, ये बिजनेस भी मेरा तबाह हो गया। उसके बाद से वो अलग हो गई और उसने अभी अपना कोई गैंग बनाया छोटा मोटा। खैर वो वहाँ पर रहती है मेरे से दूर, उसको ये सादा ज़िंदगी पसंद नहीं आई। खैर मेरा बिजनेस भी तबाह हो गया था, तो मैंने ये छोटा मोटा बिजनेस अपना, मैंने कहा ईद आ रही है तो क्यों ना गाय वगैरह बेच लें। तू गाय लेने आया ना, मिल जाएगी तुझे यहाँ से गाय। खान ने दिखाई है ना तुझे गाय वगैरह? बल्कि एक काम करना खान, इसको माइकल को तूने स्पेशल डिस्काउंट देना, ठीक है, मेरी तरफ से। तूने देखी है गाय वगैरह? हाँ बॉस, यार गाय तो मैंने देखी है यार, इसने बहुत से जानवर मुझे फटान ने दिखाए हैं। लेकिन यार मैं कह रहा था कि तेरे पास कोई नए जानवर नहीं आए यार, ये तो सारे पुराना माल है ना। नया माल नहीं है कोई, ऊँट वगैरह, दुमा वगैरह, बकरा वगैरह, इस तरह का कोई सीन नहीं है क्या? ये पुराने जानवर तो बेचेगा, और काफ़ी छोटी मंडी है यार तेरी। हाँ माइकल, अभी बहुत से जानवर मेरी मंडी में नहीं आए, लेकिन एक कुछ नए जानवर आए ना। आजा तुझे दिखाता हूँ अपने जानवर, आजा। खान ने तुझे दिखाया नहीं होगा, मैं तुझे दिखाता हूँ। हाँ यार, खान ने तो बस मुझे वही बैड़े वगैरह दिखाए थे। अबे आजा, मैं तुझे दिखाता हूँ। मैंने ना अपनी मंडी पे अभी और भी जानवर रखूँगा, लेकिन अभी मैंने कुछ जानवर रखे हुए हैं, तुझे सारे जानवर दिखाऊंगा। यार पापा, यार मुझे ना यहाँ पर कोई बड़ा जानवर नज़र नहीं आया वैसे। शुक्र है यार, बेबी भी बोला है कुछ। यार मैं तुम्हें दिखाता ना बड़े जानवर, मैं दिखाता या बोझ दिखा देना तुम्हें जानवर, फिर मैं भी तुम्हें जानवर दिखाता। यार तुम वेट करो ज़रा, आ जा माइकल, आ जा मेरे पीछे पीछे आ जा। देखें तुझे ना पसंद आएंगे जानवर मेरे, मैं जो जानवर लेके आना यार बिल्कुल मैंने खास तौर पे मंगवाया, स्पेशल जानवर है। कहाँ पर गया? आ जाओ पीछे पीछे आ जाओ, क्या क्या बातें कर रहे हो तुम लोग, आ जाओ। हाँ यार चल भाई, असल में ना जानवर तो मैंने सारे देख लिए यहाँ पर, सारे जानवर देख लिए। अच्छा ये देख लिए तुमने जानवर? ये देख, एक से एक जानवर यहाँ पर बंधा हुआ है, देख लिया तूने यहाँ पर? खान ने तुझे बताया भी होगा कि कैसे पाला हमने इन लोगों को, बड़ी मुश्किल से पाला था। खैर राजा मैं तुझे एक और चीज़ दिखाता हूँ, वो नहीं दिखाया होगा तुझे, ध्यान से आना यहाँ से। ये देख, ये मेरे स्पेशल घोड़े, ये भी रखे हुए मैंने यहाँ पर, मैंने कहा कोई नई चीज़ हो जाएगी मंडी में, और उन्होंने रखे होंगे, सिर्फ मैंने रखे हुए। पसंद आए क्या तुझे, देख के बता। हाँ बोस यार, जब मैं एंटर हुआ था मंडी में, मेरी नज़र तो पड़ी थी इन घोड़ों पे, लेकिन यार ये तो तीन ही घोड़े हैं, और ऊपर से ये तो कुर्बानी के जानवर भी नहीं है ना। कुर्बानी के जानवर नहीं है तेरे पास, सिर्फ बैल वगैरह, मैं कह रहा हूँ कि कोई दुम्बा वगैरह, बकरा वगैरह, इस तरह का कोई सीन हो, ऊँट हो, या फिर कोई वैड़ा जो तगड़ा वगैरह वैड़ा हो ना, जो सही लाखों में वैड़ा होता है, वो वाला वैड़ा हो, वो नहीं है तेरे पास, उस तरह का जानवर नहीं है तेरे पास। ये सारा का सारा पुराना माल है, मुझे नया माल दिखा, कोई नए जानवर आए हुए हों मंडी में। और वैसे भी तेरा मंडी बहुत छोटी है यार। अरे हाँ माइकल, मंडी तो छोटी है लेकिन पुराने जानवर है मेरे पास, अभी मैंने और भी जानवर लेके आने थे। देख उस वाली साइड में ना मैंने और शर्ट वगैरह डाल के जानवर बांधने थे, लेकिन तुझे पता ना लड़ाई वगैरह तो करना मैंने छोड़ दिया है। मेरे कुछ जानवर कुछ बंदों ने ज़बरदस्ती ले लिया है, अब मैं उनसे वापस भी नहीं ले सकता, क्योंकि गन वगैरह सब कुछ मैंने काम छोड़ दिया है, और मैं टीना से मदद भी नहीं ले सकता। तो बस ये मसला चल रहा है, वो जानवर आ जाते ना तो मंडी में और जानवर हो जाते मेरे पास। खैर अभी और जानवर मैंने मंगवाए हैं, क्या पता वो लटक आ जाए,
तो भर दूंगा मंडी। अच्छा तो बस ये बात है भाई, जब मैं हूँ तो तुझे किसी और से मदद लेने की क्या जरूरत है? मुझे पता कौन से वो बंदे हैं भाई, तूने लड़ना छोड़ा, मैंने तूने लड़ना नहीं छोड़ा ना। मैं अपने रोबोट के जरिए से भाई तेरे जानवर ले आऊँगा, तू मुझे बस एड्रेस दे कहाँ पर है उन बंदे, मैं अभी लेके आता हूँ तेरे जानवर। मेरे रोबोट जिमी वगैरह सब चलते हैं, तेरे जानवर लेके जाते हैं यार, लेके आते हैं जिन बंदों ने तेरे जानवर लिए हैं। मुझे बस एड्रेस दे, तू बता कहाँ पर है वो बंदे। हाँ माइकल, अगर ऐसा हो गया तू मेरे जानवर ले आया उन बंदों से, तो मैं तुझे जितने जानवर बिकेंगे उसमें से प्रॉफिट दूंगा। एक किस्म का तेरा हिस्सा हो जाएगा मेरी मंडी के अंदर, तुझे भी प्रॉफिट होगा, मुझे भी प्रॉफिट होगा। बस मेरे जानवर आ जाने चाहिए सही सलामत उन बंदों के जरिए से। बड़े खतरनाक बंदे हैं वो वैसे। अरे बॉस, बहुत से खतरनाक बंदे मैंने देख लिए हैं, ये देखते हैं ये कितने ज़्यादा खतरनाक हैं। खैर अगर तू प्रॉफिट दे रहा है तो भाई मैं भी यहाँ पर मंडी सीरीज गुजारने के लिए आया हूँ, काफ़ी अरसे तक मैं यहीं पर रुकूंगा, तो बस तेरे साथ ही काम कर लेते हैं, ये सीन सही है। बस मुझे एड्रेस दे दियो, मैं बस तेरे जानवर ले के आया भाई, देखते हैं कितने खतरनाक बंदे हैं वो, कितना टफ टाइम देते हैं हमें। और बस यार ये तुम क्या करती है यार, तुम्हें जानवर चाहिए तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारे जानवर लेके आएगा। यार तुम मुझे बताते नहीं कि तुम्हारा जानवर बचे हुए हैं, मैं लेके आता है तुम्हारा जानवर, इसको काम पे क्यों रखते हैं? क्या तुम मुझे काम पर निकाल देगा क्या? मैं सही काम नहीं करता क्या? तुम मुझको काम पर निकाल देगा क्या? इसको क्यों रखती है काम पर? अगर तुम इसको रख लेगा काम पर तो मेरा क्या होगा? क्या मुझे निकाल देगा? मैं तुम्हें पहले बता रहा कि मैं नहीं यहाँ से जाएगा, मैं यहाँ पर काम करेगा और जब तक करेगा जब तक मैं। अरे 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 मोहब्बत खान, टेंशन क्यों ले रहा है? माइकल मेरा पुराना दोस्त है, माइकल बस हमारे पसे हुए जानवर लेके आएगा, इससे हमें फ़ायदा होगा, हमारे बिजनेस को फ़ायदा होगा। तुम्हें मैं नौकरी से नहीं गिराऊंगा, तुम जाओ, तुम उस घोड़े को संभालो। जो हाँ खान भाई, यार आप तो एवं टेंशन ले रहे हो यार, मैं यहाँ पर तुम्हें निकालने के लिए नहीं आया, मैं तो वैसे ही मदद कर रहा हूँ अपने दोस्त की, बस यही सीन है मेरा, मैं तो मदद करने आया हूँ। खैर तुम जाओ यार, तुम्हें कोई नहीं निकालेगा, बल्कि इस घोड़े को तो मैं ही देख लेता हूँ, आप यहीं पर रुको, इसको मैं संभालता हूँ। मैंने सोचा था यार मैं भी अपने घोड़े रखूंगा, लेकिन इसको तो नहीं रुकता। हेलो हेलो भाई, भाई सब रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा, रुक जा। अरे भाई क्या बात मानता मेरी, ये देखो रुक गया, ये बिल्कुल ही रुक गया, मैं तो वैसे ही ट्राई किया था, ये रुक ही गया। अबे भाई बॉस क्या, अबे कौन से घोड़े लेके आया तू, इतने कमज़ोर है, तेरे एक धक्के से गिर गया घोड़ा, वो इतने कमज़ोर क्यों लेके आया तू जानवर अपने? खाना वगैरह नहीं खिलाता क्या तू? ये खान ध्यान नहीं रखता इन घोड़ों का। हाँ माइकल, बस इनके खाने वगैरह का इंतजाम भी करते हैं, कोई सीन बनाते हैं खाने वगैरह का, लेकिन तू जा, सबसे पहले तू जानवर लेके आ उन बंदों से, और तू जानवर ले आया ना बहुत अच्छा होगा हमारे बिजनेस के लिए, तू जानवर लेके आ, मैं इनके खाने वगैरह का इंतजाम। यार बस तू टेंशन नहीं ले, तू समझ के वो जानवर ना तेरी मंडी में बैठे हुए हैं, वो जानवर आ जाएंगे किसी ना किसी तरीके से, मैं ले आऊँगा उन जानवर को, देख लूँगा मैं उन बंदों को, अगर ज़रूरत पड़ी ना तो मैं और रोबोट्स भी ले आऊँगा घर से। लेकिन तो डॉक्टर साहब इसको गुड न्यूज़ कहें या बैड न्यूज़ कहें, लेकिन जो भी हो इस औरत को तो यार होश आने लग गया, हमने तो कुछ किया भी नहीं, लेकिन फिर भी इस औरत को होश आने लग गया, तो अब क्या करेंगे हम, इनके घर वाले को क्या कहेंगे? आपने तो कहा था इसको दो तीन घंटे तक जिंदा रखना है ये, तो लेकिन होश में आ रही है, इसकी तबीयत तो ठीक हो रही है, अब क्या करेंगे हम, हमारे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे ना क्या? डॉक्टर ये तो अच्छी बात है कि इसको होश आ रहा है, अच्छी बात है इसको होश आ रहा है, तुम एक काम करो इसको दो तीन डोज और दे दो, जब तक इसकी सांसें रहेंगी हमारे अकाउंट के अंदर पैसे आते रहेंगे। एक काम करते हैं इसका दोबारा से ऑपरेशन करते हैं, इसके ऑपरेशन की तैयारी करो, अब इसकी आंखें खोलने की कोशिश करो ताकि एक मुलाकात हम करा सकें इसकी फैमिली के साथ, इसको होश में लाना पड़ेगा ठीक है, इसकी फैमिली से बात करवाएंगे ताकि ना हम इसकी दोबारा से ऑपरेशन करें और इससे दोबारा से पैसे मांगे। बल्कि एक काम करो तुम ऑपरेशन की तैयारी करो ठीक है, डोज वगैरह भी लगा देना। अरे वाह डॉक्टर, मतलब कि एक और ऑपरेशन, वो भी बिल्कुल कोई खर्चे वगैरह भी नहीं होगा हमारा, इसको मैं और डोज दे देता हूँ, जैसे आप कहो यार इसको और डोज दे देते हैं, इसको ये होश में आ जाएगी डॉक्टर साहब, ये होश में आ जाएगी, आप बेफिक्र हो जाए, आप जाके उससे कह कराएं अकाउंट में पैसे जमा करवाएं, मैं इसको दोबारा से डोज दे देता हूँ और ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। हाँ डॉक्टर तुम सब कुछ रेडी रखो, बस मैं क्या क्या फैमिली को इसको कि अपने पैसे तैयार रखे, इसका तो ऑपरेशन बल्कि इसको तो होश में आना ही पड़ेगा, आंखें खुलवानी है बस, फिर एक मुलाकात करवा के इस बुड्ढे से पैसे बटोरेंगे। अरे अरे हकीम साहब यार, मेरी बेटी कैसी है यार, मुझे पता लो कि मेरी बेटी कैसी है यार, ईमी कैसी है, ईमी होश में तो आ जाएगी नहीं यार, मुझे ईमी से मिला लो यार। देखो आप जो कहोगे ना मैं वो करूँगा, लेकिन यार ये ना कहना कि आई एम सॉरी हम आपकी बच्ची को बचा नहीं सके। देखो अंकल मैं तो आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मैं हकीम नहीं हूँ, मैं डॉक्टर हूँ ठीक है, MBBS डॉक्टर हूँ, डिग्री है मेरे पास बकायदा, वो अलग बात है जाली है, लेकिन है तो डिग्री ना, मैं MBBS डॉक्टर हूँ, आपकी बेटी को हम बचा रहे हैं ठीक है, कोशिश कर रहे हैं हम अपनी तरफ से, इसका दोबारा ऑपरेशन होना पड़ेगा, आप ज़रा अकाउंट में पैसे जमा करवा दें, तब तक हम ऑपरेशन की तैयारी करते हैं।
बस अपने हिम्मत मत नहीं हारनी और दुआ करते रहना अपनी बेटी के लिए। हम लोग ऑपरेशन करने की तैयारी करने हैं। चलो अपनी तरफ से तो मैं पूरी कोशिश करूँ कि ये बच जाए। अरे डॉक्टर बात तो सुन यार, डॉक्टर अबे डॉक्टर ही चला गया यार, ये तो बात भी नहीं सुनता मेरी। फिर इमी पता नहीं कैसी हो रही, तो मैं यार देखो यार पड़ी हुई है, एक तो नज़र भी नहीं आता यहाँ से, पता नहीं कब होश में आएगी यार इमी। इमी का लेना कुछ पे करूँगा, लेकिन ये देखो मोर लिखा भाई यार, ये मुंडा खाने में कब से ऑपरेशन होने लग गया यार, ये मुझे बात समझ में नहीं आई अभी तक। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ ना उस माइकल के बच्चे की वजह से हुआ है। ये जहाँ पर भी छुप के बैठा हुआ ना माइकल, उसको छोड़ूंगा नहीं। इमी के होश में आने से पहले इसको मार के गिराऊंगा। पिछले एपिसोड में तो बच गया था, लेकिन अब आगे नहीं बचेगा। सबसे पहले तो अकाउंट के अंदर पैसे तो डालें यार, ऑपरेशन तो करें।